तन में है ओम ओम, मेरे मन में है ओम ओम। यदि हम मर जाएं तो मेरे मरघट पर लिख देना ओम ओम। बैकुंठ का मालिक तू ही है और तू ही जन्नत वाला है। बैकुंठ का मालिक तू ही है और तू ही जन्नत वाला है। तू ही जन्नत वाला है, तेरे ही नाम की प्रतिमा है, तेरे ही नाम की माला है। रहीम तू ही है, ओम तू ही, अल्लाह भी तू ही, अल्लाह भी तू ही, मेरा भी पालन तू ही करे, उनको भी तूने पाला है। मतलब में फर्क नहीं भगवान, ये फर्क है बोली भाषा में। मैं कहूँ तू सबसे उत्तम है, वो कहे तू सबसे आला है। इतिहास एक पतवीरता का, राजपूत के सिद्ध में भरते हैं। अंधे की दीवानी कैसी थी, आधारण यही निकाला है। एक दीवानी कैसी थी, आधारण यही निकाला है। बैकुंठ का मालिक तू ही है और तू ही जन्नत वाला है। बेड़े मेरे आदरणीय उपस्थित युवा वृद्ध बालक और माताएं, इस राजपूत कैसेट के माध्यम से आप लोगों के सामने एक बहुत सुंदर कथा कहने जा रहा हूं। अंधे की दीवानी एक पतिव्रता का आख्यान है, जिसने स्वयं अपने पति को धोखे से अंधा कर दिया, आंखें फोड़ दी, और बाद में उस पतिव्रता ने अपने पति को किस तरह यौवन दिलाया, यौवन के साथ साथ उसने अपना इतिहास सुवर्ण के अक्षरों में लिखवाया, बाहरी भारतीय नारी। दोस्तों, श्राद्ध देव मनु के एक पुत्र हुए हैं जिनका नाम है राजा सरयात। राजा सरयात बहुत अच्छे राजा थे। इनके राज में शेर और बकरी एक घाट पानी पीते थे। इनकी प्राण प्यारी दुल्हन ने एक लड़की को जन्म दिया, जिस लड़की का नाम था सुकन्या। कैसी थी ये लड़की, ए सुंदर सुगल स्वरूप रे, हे सुंदर सुगल स्वरूप रे, महलन में बिटिया आई।
तो रुनझुन आंगन में डोलती है, रुनझुन आंगन में डोलती है मन को ले दिल भाई। महाराज हिरणिया सी लचकीली चाल और ठुमक ठुमक के चल के जिन पे पागल भोया धार। भैया धीरे धीरे लली के 12 साल की है गई है, यारो धीरे धीरे बिटिया 12 बरस की है गई है। भैया धीरे धीरे लड़की 12 साल की हो गई है। याद रखना दोस्तों, आज ये लड़की 12 साल की हो गई, इसका नाम सुकन्या है। राजा सरयाट इस लड़की को बहुत प्यार करते हैं। खाएं तो संग, जाएं तो संग, गाएं तो संग, सुआएं तो संग, एक मिनट को अपनी लड़कियों अलग नहीं करें। दोस्तों एक दिन 10,000 जवानों को लेकर के महाराज सरयाट शिकार के लिए चले, जंगल में विहार के लिए चले, अपनी 12 साल की लड़की साथ ले ली और वह लड़की की हम उम्र की 2 सहेलियां उनको भी साथ ले लिया। और महाराज जंगल में शिकार खेलते खेलते कहां पहुंचे, अरे पहुंच गए रे, अरे पहुंच गए रे चमन ऋषि की कुटिया पे पहुंच गए रे। पहुंच गए रे आ, 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 अरे पहुंच गए रे चमन ऋषि की कुटिया पे पहुंच गए रे। आज चमना आश्रम में पहुंच गए राजा सरयाट। सुंदर वृक्ष घनी जग छाया, सुंदर वृक्ष घनी जग छाया, कैसी है ऋषियन की माया, हाय लुभाए गए रे, हाय लुभाए गए रे जा धर्म की लुटिया पे पहुंच गए रे, ऋषि की लुटिया पे पहुंच गए रे। दोस्तों चमन ऋषि की कुटिया पर पहुंच के सुंदर सुंदर वृक्ष, इनकी बड़ी घनी छाया, पपिया मोर, बड़े बड़े पक्षी जो हैं खगवृंद सुरीले गीत गा रहे हैं, तिरवित बहती हुई सुगंधित ब्यार, झरनों से बहता हुआ पानी। आ राजा सरयाट का जी बहुत प्रसन्न हुआ, सारे सिपाहियों को इजाजत दे दी कि जेठ की दोपहर ही है, सभी लोग अपने अपने बिस्तर लगा लो, आराम करो। दोस्तों सभी सिपाहियों ने ठंडा जल पिया, सारी फौज आराम करने लगी। महाराज ने भी बिस्तर निकाला, रथ में से बिछा लिया, अपनी लड़की सुकन्या को छाती से लगाकर और वो दोनों सहेलियों को लिटाकर महाराज भी गहरी नींद में सो गए। चमन ऋषि उस समय कहां थे मालूम है? चमन ऋषि दोस्तों तपस्या कर रहे थे उसी कुटिया में, जिनको भजन करते करते 10,000 वर्षे हो गई थी। धूल उड़ उड़ के इतनी ऊपर उनके जमा हो गई थी कि एक टीला सा बन गया था। हालांकि सब सिपाही सो गए लेकिन वह बिटिया को नींद नहीं आई। बाने सोची पिताजी सो गए तो अपनी सहेलियन से बोली, ओरी बहना चलो जो बगिया में डोले आए चलो। दोनों लड़कियों को लेकर ये लड़की चली सुकन्या 12 साल की, और घूमते घूमते दोस्तों उसी टीला के पास में पहुंची जिसमें चमन ऋषि दबे हुए भजन कर रहे थे और चमन ऋषि की दोनों आंखें चमक रही थी धूल में। बल लड़की ने क्या किया, एक लकड़िया उठाई और दोनों आंखें में घूस दी। जो खून निकला बल लड़की ने लकड़ी तो वहीं डाली
आकर के अपने पिता के पास में चुप लेट गई। उसने नहीं कहा मैं किसी की आंखें फोड़ आई, लेकिन दोस्तों जो महात्मा की आंखें फूटी तो क्या दशा हो गई फौज की। जब फोड़ी बढ़ी बेजोड़ हुन बीमारी, भोजन के फूले पे तरे मल मूत्र है गयो जारी। सारी फौज बीमार पड़ गई, सारी फौज के पेट बढ़ गयो, मल मूत्र छूट गया। और हाथ पैर रहे टूट, अरे नबज रहे छूट। सुनो सरदारी, सुनो सरदारी, सुनो सरदारी, आधा रह पेच से हुई आई रे के विपत्ति टूट गई न्यारी। आधार जब पेच से बन गई रे के विपत्ति टूट गई न्यारी। नारद बेजोड़ बड़ी बीमारी है, बगिया में विपत्ति न्यारी है बे। घबराए गाओ तपधारी है, जा कैसी भाबाई डारी है। अब याद रखना दोस्तों, सारी फौज के पेट बढ़ गए, मलमूत छूट गया। राजा सर यहां सोचने लगे कि चमर ऋषि की बगिया में रोगी भी यदि आ जाए तो निरोग हो जाता है, लेकिन मेरी फौज बीमार कैसी पड़ गई। मंत्री कहने लगा, महाराज हमें जो घटना में चमर ऋषि का छुपा हुआ हाथ लग रहा है, महात्मा का पता लगाओ। दोस्तों आज ये सब महात्मा को तलाश करने लगे तो उसी टीला के पास पहुंचे जिसमें चमर ऋषि दबे हुए थे। इधर उधर मिट्टी करके चमर ऋषि को बाहर निकाला। जब महात्मा को मिट्टी से बाहर निकाला तो पेट तो पिचक गई फौज इनके, लेकिन मलमूत छूटना बंद नहीं। अब राजा सरयात ने दो निगाह करके देखा कि चमन ऋषि के दोनों आंखें फूटी हैं। दोस्तों राजा के दिमाग में झटका लगा कि मेरे फौज के किसी सिपाही ने महात्मा की आंखें फोड़ दी, इसलिए फौज बीमार हो गई। तलवार खींच ली और कहने लगा, कौन है वो सिपाही जिसने महात्मा की आंखें फोड़ी हैं, उस सिपाहियों में से बाहर आ जाए। लेकिन दोस्तों बाहर तो तब आ जाए जब किसी सिपाही ने फोड़ी हो, आंखें तो उनकी बिटिया ही नहीं फोड़ी। शरियात कहने लगा, नहीं मानोगे तुम, अरे पापी अपने पाप को छुपाने की कोशिश करता है, अगर तू बाहर नहीं आएगा तो एक एक करके सभी सिपाही आते जाओ, मैं सारी फौज का कत्ल करके जाऊंगा। हाय हाय, जो 12 साल की लड़की ने देखा कि मैंने आंखें फोड़ी हैं और सारी फौज मारी जाएगी। दोस्तों ये 12 साल की लड़की हाथ जोड़ के अपने बाबलू के सामने आ गई। राजा ने देखा, सुकन्या तू? हाँ पिताजी। क्यों, क्या बात है? पिताजी आप सारे सिपाहियों को मारना चाहते हैं? हाँ। लेकिन तू क्यों रोई हरी? आंखों में आंसू भर के लड़की बोली, बाबुल इन सिपाहियों का कोई दोष नहीं। फिर रो करके कन्या बोली है, हमने जे पातक जोड़े हैं बबुला, हमने धोखे से बाबा के नैना फोड़े हैं। ओ बबुला हमने धोखे
महात्मा के नैना फोड़े बाबुल हमने धोखे से साधु के नैना फोड़े मुझे माफ कर दो बाबुल मुझे माफ कर दो मैंने धोखे से महात्मा की आंखें फोड़ दी मुझे माफ कर दो और रो करके लड़की बोली बाबुल अनजाने हमसे भूल हुई अब दिल्हा बैसो करो पिता पालो रखो चाहे त्याग दे चाहे जीवन मेरो हरो पिता बबुला बिटिया रही बिलखाए हमें गोदी में ले लीजिए बाबुल बेटी रही तड़पाए मुझे गोदी में ले लीजिए गोदी में ले लीजिए माफ बिटिया को कर दीजिए बाबुल हमसे हुई गई भूल हमें गोदी में मुझे माफ कीजिए बाबुल हमने आंखें फोड़ दी दोस्तों राजा शरियात की आंखों में लहू उतर आया लड़की तू स्वयं गलती कर चुकी अब मैं तेरे साथ क्या करूं वैसे मेरे दिल में बड़े अरमा थे मैंने तुझे अपने कलेजे से लगा के रखा सोचता था ऐसी राजकुमार से तेरी शादी करूंगा कि जिंदगी भर मुझे दुआएं देगी लेकिन तूने अपने हाथों से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारी जा अब तेरा भाग मैंने इसी अंधे महात्मा से जोड़ दिया यही तेरा पति है यही मेरा दामाद है इसकी उंगलियां पकड़ गांव गांव में भीख मांग तू खा इसे खबा अगर ये क्षमा कर दे तो क्षमा समझ त्याग कर दे तो त्याग समझ यही दंड तेरे लिए काफी है दोस्तों जो ये शब्द सुने हाय हाय 12 साल की लड़की अपनी खोपड़ी को पकड़ के बैठ गई और कहने लगी बाबुल अगर यही आपके दामाद है तो मैं जिन जीवन भर बाबुल में पिया की हाय हाय टहल बजाऊंगी और दुख कितने ऊपर जाए कभी सैया को न पीठ दिखाऊंगी मुझे माफ कीजिए बाबुल मैं सारी जिंदगी इनका दामन नहीं छोड़ूंगी ठीक है और रो रो के मुझे रुलाने की कोशिश न कर जा देख उसी अनदेखो दोस्तों लड़की आगे बढ़ गई चमन ऋषि के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और कहने लगी पिया मुझे माफ कर दो दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं थी जिसने शादी के पीछे अपने दूल्हा की आंखें फोड़ दी मैं पहली पापनी हूं एक बार कह दो मैंने तुझे क्षमा कर दिया एक बार कह दो ना दोस्तों इतना कहकर हाथों से मुंह ढक कर फपक फपक के रोने लगी लेकिन बारे महात्मा नहीं बोला इधर राजा शरियात ने अपनी फौजें उठाई चल दिया दो खेत जब निकल गया जब लड़की की निगाह बाबुल पर पहुंची तो दोस्तों एकदम लड़की भागी पिताजी शरियात कहने लगे भाई खड़ी हो जा मेरे पीछे क्यों आ रही है बंदे को देख दोस्तों लड़की खड़ी हो गई कहने लगी बाबुल मैं तुम्हारे पीछे नहीं आ रही जब तुम घर जाओगे और मेरी माँ पूछेगी कि मेरी बेटी कहाँ है और अगर तुमने ये कह दिया कि तुम्हारे दामाद अंधे हैं तो मेरी माँ जिंदा नहीं बचेगी पिताजी मेरी माँ से ये मत कहना कि मेरे पिया अंधे हैं और क्या बोली है वो लड़की मेरी मैया सो नमस्ते कहियो मेरी
नमस्ते कहियो अपनी बिटिया को भूल मत जइयो मेरी मैया से ओ बबुला रात भर का है मेहमा अंधेरा किनके रोके रुकाए सवेरा रात भर का छोड़ के चल पाए ओ बाबुल मो छोड़ के जा रहे ओ बाबुल तेरी बिटिया मरी जा रही चल भाए तुम छोड़ के चल पाए ओ बाबुल मो छोड़ के जा रहे ओ बाबुल तेरी लाड़ो मरी जा रही चल भाए तुम मेरी माँ से नमस्ते कह देना अपनी बेटी को भूल मत जाना। महाराज शरियात कहने लगे बांदे को देख मैं सब कुछ संभाल लूंगा। दोस्तों महाराज तो चले गए। आज वह लड़की लौट आई और अपने अंधे पिया के सामने खड़ी होकर के बोली एक बार कह दो मैंने तुझे क्षमा कर दिया एक बार कह दो। और दोस्तों जब नहीं बोले चमन तो रो करके कहने लगी अरे सैया ने कबोल रे सो नाय दे कहने लगी अरे राजा ने कबोल रे सो नाय दे और रानी को तो धीरे बंधाई दे अरे मेरे पिया नसीबा फूटो और चोरे में धर के रे लूटो ओ सजना अरे तुम बिन में नहीं रहूंगी रहूंगी प्यारे हाय रहूंगी और किन से मन बितारे कहूंगी याद रखना दोस्तों आज ये लड़की इस तरह से बिलख रही थी लेकिन बाहर महात्मा क्या हुआ हा भी न कही ना भी न कही बार साधु हा भी न कही ना भी न कही दुविधा में नैया पड़ी रही दुविधा में नैया पड़ी रही महात्मा समाज लगाए रहे दुखिया कर जोड़े
खड़ी रही दुखिया कर जोड़े खड़ी रही। हाँ भी न कही ना भी न कही दुविधा में नैया पड़ी रही। जरा समझिए महात्मा समाधु लगा रहे बिठिया कर जोड़े खड़ी रही लड़की कर जोड़े खड़ी रही। हाँ भाइयों इधर तो लड़की हाथों को जोड़े हुए चमन के सामने खड़ी है लेकिन ऋषि ने आंखें फूटी जरूर है लेकिन समाधि इतनी विलक्षण लगी है लड़की का कोई ध्यान नहीं। दोस्तों सारे शरीर के कपड़े गलगल के गिर गए शरीर में खून और मांस नहीं रहा हड्डियों का ढांचा बन गया। अरे हुई है 14 बरसे रे के सुन ले ओ सारे दारी समाधि लगाए हुए 14 वर्ष हो गई। लड़की तो भैया नग्न दे एक पैर पे सनमुख ठाड़ी महाराज बरस रहो नैनन से अब नीर ओ 14 साल दुखरी रही काटो हुई ओ शरीर भैया 14 साल के बाद समाधि ऋषि ने खोली है। भैया 14 वर्ष के बाद समाधि ऋषि ने खोली है। अरे ऋषि ने खोली हरे समाधि ऋषि ने खोली है। भैया 14 साल के बाद समाधि याद रखना दोस्तों 14 वर्ष बाद चमन ऋषि के नेत्र खुले हैं। लड़की टूट करके महात्मा के पैरों पर इस तरह से गिरी है दोस्तों जैसे कोने में से लाठी गिरती है। महात्मा जी ने एकदम से अपने हाथों से टटोल के पूछा कि तुम कौन हो। अरे भाई तुम कौन हो जो मेरे पैरों पर पड़े हो। तो दोस्तों लड़की एकदम बोली है मैं वही हूं पिया जिसने फोड़ी अखियां मैं वही हूं पिया जिसने फोड़ी अखियां मैं वही हूं पिया जिसने फोड़ी अखियां में बही हूं पिया चौदह बरस ध्यान में डूबे 14 वर्ष है 14 वर्ष ध्यान में डूबे ध्यान में डूबे ध्यान में डूबे बाबुल के संग मेरे बाबुल के संग में गई सखिया में बही पिया जिसने फोड़ी अखिया में बही हूं पिया
तुम्हारी, मैं हूं तुम्हारी। अब संगम मेरे कोई ना सखिया, मैं वही हूँ प्रिया जिसने बोली अखिया, मैं वही हूँ प्रिया। महाराज हमें पहचानने की कोशिश करो, मैं वही अभागिन हूं जिन्होंने आपकी आंखें फोड़ी हैं और मेरे बाबुल तुम्हारे चरणों में हमें छोड़ करके चले गए। चमर ऋषि कहने लगे, 14 साल तक तुम मेरे लिए खड़ी रही, जवाब दिया और कहां जाती? औरत के लिए पति के अलावा कौन सी ऐसी जगह है जहां जाकर अपने बदन को छुपा ले? बाव भाई बाव। चमर ऋषि कहने लगे, तुम अंधे पर इतनी दीवानी हो गई? जवाब दिया, महाराज पाण ग्रहण संस्कार मनसत हो चुका है। बाव भाई बाव। चमर ऋषि कहने लगे, तो बीते 14 साल अरी सुन बाली उम्र तेरी बारी, तेरो बाबुल बड़ो कठोर रे बूढ़ा के संग दौड़ारी। अरे दो बन डारी, दो बन डारी, दो हर डारी, दो तो डारी, तेरो बाबुल बड़ो कठोर रे बूढ़ा के संग दो डारी। और मैं साधु संत, अरे जब मैं भगवंत, अरे भिकारी, अरे भिकारी, तू जोवन में बढ़ रही है रे के फूलिए फुलवारी। तेरे जोवन की फुलवारी है फीकी बिन म्यान कटारी है तेरे, कहां तुम तो जरा सी उम्र की लड़की और मैं वृद्ध और जात का भिखारी, एक महात्मा भजन करने वाला, और तू राजा की लड़की होकर भला मेरा साथ कैसे निभा सकती है? सुकन्या कहने लगी, महाराज पति वही होता जिसके लिए दिल में जगह हो, और दिल में जगह कब होती है? तो कहने लगी, दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती है। दिल में जगह तब होती है जब आत्माएं मिल जाती है, वो प्रीति रीति की धाराएं दिल से ही दिल में आती है। कहने लगी, इस बेघर का घर क्या होगा, इसका तो घर है और कहीं, दिल भरी गई दिल के ऊपर में, दिल का दिल भर और कहीं। महाराज पति तो वही होता जिसके लिए दिल में जगह हो, और दिल में जगह तभी होती है जब आत्माएं मिल जाती। मैं आपको अपना पिया मान चुकी हूं। अच्छा, चमर ऋषि कहने लगे, ओ अंधे की दीवानी, वरदान मांग ले, हम तेरी नियम संयम भक्ति पे बड़े प्रसन्न हैं। कहने लगी, महाराज
आप हमारे ऊपर प्रसन्न हैं? जवाब दिया हाँ, मांगो। तो देखिए दोस्तों, वो लड़की क्या मांग रही है। एक वरदान दो, मैं नाथ तुमसे मांगती हूँ। एक वरदान दो, मैं पिया तुमसे मांगती हूँ। तुम्हारे चरणों में सर्वस्व हमें त्यागती हूँ। तुम्हारे चरणों में सर्वस्व हमें त्यागती हूँ। धोखे से मैंने आंखें फोड़ी है मेरे सैया। धोखे से मैंने आंखें, धोखे से मैंने आंखें। ठीक हो जाए तो वरदान यही मांगती हूँ। ठीक हो जाए ये वरदान यही मांगती हूँ। मैंने आपकी आंखें फोड़ दी, ये तुम्हारी आंखें ठीक हो जाए, मैं यही वरदान मांग ली। दोस्तों, उसी समय चमर ऋषि कहने लगे, ऐ मस्तु, ऐसा ही होगा। वो अश्विनी कुमार को बुलाया। वो अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, डॉक्टर हैं, और उनसे बोले कि ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो जो हमारे नेत्र सुंदर हो जाए। अश्विनी कुमार ने जड़ी बूटियों का रस तैयार करके जो चमर ऋषि के नेत्रों में डाला, दोस्तों दोनों नेत्र बहुत सुंदर हो गए। अब तो सुकन्या अपने पिया की बहुत सेवा करने लगी। एक दिन चमर ऋषि कहने लगे, गोरी एक बात बताओ, पूछो। तुम 14 बरस तक हमारे इंतजार में खड़ी रही, और जब मैंने तुमसे वरदान के लिए कहा तो तुमने अपने लिए तो कुछ नहीं मांगा, हमारे लिए मांगा कि मेरे नेत्र सही हो जाएं। लड़की कहने लगी, महाराज, पति तो वही है जो पत्नी की हर ख्वाहिश की तरफ ध्यान दे, और पत्नी वही है जिसका पति सुंदर और विद्वान हो, और मुझे चाहिए क्या? चमन ऋषि कहने लगे, गोरी तुम्हारी उम्र कितनी है? लड़की कहने लगी, महाराज 12 साल का बाबुल छोड़ गए थे, आप 14 साल समाधि लगाए रहे, अब मैं 26 साल की हो गई। लड़की बोली, पिया तुम्हारी उम्र कितनी है? चमर ऋषि कहने लगे, हमारी उम्र 50,000 बरस की है। लड़की कहने लगी, महाराज यही गड़बड़ी है। क्यों? मेरे पिया बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है। दूल्हा इधर बुढ़ापा है, दुल्हन पर इधर जवानी है। दूल्हा पर लड़की बोली, दूल्हा पर इधर बुढ़ापा है, रानी पर इधर जवानी है। और कहने लगी, महाराज अगर मेरे प्यार से आप प्रसन्न हैं तो एक वरदान दे दो। चमर ऋषि बोले, मांगो गोरी, जो मांगोगी वही दूंगा। हमारी किस्म तुम्हारी किस्म, मांगो ना। तो लड़की बोली, वरदान हमें याद देते हो राजा, तो मेरे ही प्रेम में सन जइयो। हम 26 साल की गोरी है,
तुम तीसा के पट्ठा बन जइयो। हम 26 साल की रानी है, तुम तीसा के राजा बन जइयो। महाराज, अगर हमें वरदान देते हो मेरे प्यार पे आप वास्तव संदेह नहीं करते हो, तो एक ही वरदान दे दो कि मैं 26 साल की हूं, तुम 30 साल के जवान बन जाओ। चमर ऋषि कहने लगे तथास्तु, ऐसा ही होगा। और उसी समय अश्विनी कुमार को बुलाया और कहा कि ऐसी जड़ी बूटियों का रस तैयार करो जो हम जवान हो जाएं। दोस्तों, वैद्य अश्विनी कुमार ने जड़ी बूटियों का रस तैयार करके और जो चमर ऋषि को पियाओ, अरे भैया 8 दिन पी पाओ 8 में पट्टा। आप लोग सोच रहे होंगे 8 दिन पी पाओ, जुआन फट पड़े जुआन, ढीले धोती लंबो कुर्ता जूता चरमर चरमर। आप लोग सोचते होंगे ये कौन सा रस पिया। दोस्तों, वो आज भी है। जिस औषध के योग से तरुण भाई बोधे, आधार अभी मौजूद है चमन प्राश अबले हो। जो चमन प्राश अबले का डिब्बा मेडिकल से आता है, ये चमन ऋषि के लिए अश्विनी कुमार ने बनाया था, इसीलिए इसका नाम है चमन प्राश। चमन ऋषि जवान हो गए। अब तो दोस्तों कछु न पूछो, इतनी सुंदर जोड़ी रहे कि अब हम कैसे बताएं। बहुत सुंदर जोड़ी रहे। भादों को महीना रहे, भादों भादों ही को तो हमारी समझ में रात के 10-11 बजे हुए हैं। ऐसी लड़की लेटी, ऐसी चमन ऋषि लेटे, पानी बरसो छप्पर टपको। लड़की उठ के बैठ गई। चमन बोले, क्या बात है गोरी, क्या नींद नहीं आ रही। कान लगी, नींद तो आती है। फिर कहा, हमहू बदलिए तुमहू बदलिए, जो बरी हो छप्पर न बदलो। क्या मतलब? जवाब दिया, जब इतनी सुंदर जोड़ी है तो संगमरमर के महल होते, बाथरूम होता, सेन का छोटा रसोई घर होता, कितना आनंद आता। चमर ऋषि ने उसी समय विश्वकर्मा को बुलाया और कहा कि ऐसी जड़ी बूटियों का रस ऐसे तैयार किया अश्विनी ने। विश्वकर्मा, तुम इसी तरह से रात ही रात में संगमरमर के महल बना के तैयार करो। दोस्तों, रात ही रात में महल बन गए, इतनी सुंदर महल बन गए। अब हम कैसे बताएं? आंगन तो ऐसा हो रहा है कि चिटी रपटे चिटी रपटे। बो तपो भूमि भाई रंग भूमि, अंदाजा लगाइए, जो महात्मा 10-10 हजार बरस तक तपस्या करते थे, वो एक लड़की के चक्कर में गृहस्थों की जिंदगी व्यतीत करने लगे, बाहरी औरत। और दोस्तों, मैं तो सच कहूंगा कि नारी के समान दुनिया में कोई जाल है नहीं। पहले हमें उन्हें पता तो, लेकिन जब डबल मार पड़ने लगी तब पता लगा कि वास्तव में नारी क्या है। नारी के समान विलक्षण कोई जाल है नहीं। बो तपो भूमि भाई रंग भूमि छाय रही छटा न्यारी न्यारी छाय रही छटा न्यारी न्यारी प्यारी प्यारी फूलो बारी की ओरा दे। प्यारी फूलो बारी की करती किलोल क्यारी क्यारी करती किलोल क्यारी क्यारी।
और एक बात बताऊं, ऋषि कन्याओं के बदले में जम घटिया कुछ सहेलियों का शत संग और होली कीर्तन में चर्चा है रंग, रेलियों का चर्चा है रंग, रेलियों का। अब देखिए, धुनिया नहीं बेदिया नहीं, जहां हवन होता था, जहां भगवान का कीर्तन होता था, जहां सत्संग होता था, लेकिन वहां लड़कियों का जमघट है। सत्संग हर कीर्तन में रंगरलियों की चर्चा हो रही है। और धुनिया नहीं बेदिया नहीं, दुनिया भी हवा छा रही है, आधार बगली में निकल पड़े विषयन की गंध आ रही है, विषयन की गंध आ रही है, आधार बगली में निकल पड़े। आज उन महात्मा की तपोभूमि, वो भूमि जो थी रंग भूमि, दर्शाने लगी है। इधर राजा सरियात ने सोचा कि मैं अपनी लड़की एक अंधी महात्मा के पास छोड़ आया था, चल करके देखूं कि मेरी लड़की की क्या हकीकत है। दोस्तों, घोड़ा पे सवार होते हैं, घोड़ा सजाय लो राजा जी ने महल में जी, ये जी इनकी कमर में, हम इनकी कमर में झूले तले बारी, घोड़ा सजाय लो राजा जी ने द्वार पे जी, संग सिपाही ले ले बने साथ में जी, एजी जब घर से, हम जब घर से चले आधार, घोड़ा सजा लो राजा जी ने द्वार पे जी, कमर में हम इनकी कमर में झूले तले बारी, घोड़ा सजा लो राजा जी ने द्वार। याद रखना दोस्तों, आज घोड़ा पर सवार होकर के महाराज सरियात जिस समय चमना आश्रम में आए हैं तो क्या देखा। हाय हाय, पहले जब लड़की को छोड़ा था उस समय एक बूढ़ा और अंधा महात्मा, टूटी हुई झोपड़ी, लेकिन अब तो संगमरमर के महल, लड़की लड़कियों के बीच में बैठी, सहेलियों में रंगलियों की बातें कर रही है और एक नौजवान उसी कुटिया में घूम रहा है। राजा सरियात सोचने लगे, मेरी ये लड़की जरूर है लेकिन मेरा ये दामाद नहीं है। मेरा दामाद अंधा और बहरा था, बूढ़ा था, यह कोई नौजवान है। मेरी बिटिया अंधी हुई गई रे जवानी में यार जमाया, मेरा प्रण जो अब था भाई बेटी ने सभी भुलाया, महाराज दामाद मेरे मारे
बता दो है। और जवान में अंधी भाई के घर दूसरो बसाए लो है। भैया राजा दिल में कहे जब बेटी नाई नागिनी है। भैया राजा दिल में कहे जब लड़की नाई अब नागिनी है। भैया दिल में कह रहो भूप जब लड़की नाई अब नागिनी है। याद रखना दोस्तों, राजा सरिया सोचने लगे, हमारा ये दामाद नहीं, मेरी लड़की जरूर है। शायद लड़की हमारी जवानी में इतनी अंधी हो गई कि मेरे अंधे दामाद को मार के हटा दिया, अपना घर और बसा लिया। अगर ये इसने किया तो ये कन्या नहीं कलंकिन है, मेरे कुल का दूषण है और जो बिस्की बुजी भई नागिन है। दोस्तों इधर लड़की की निगाह राजा सरयाद पर पड़ी तो सहेलियों के झुंड में से उठ करके भागी और कहने लगी, बाबुल। सरयाद कहने लगा, अपनी गंदी जबान को अंदर रख। इस गंदी जबान से तू हमें बाप कह रही है? अरे कमीनी, कहां है वो मेरा दामाद जो अंधा और बूढ़ा था? ये नौजवान कौन है? दोस्तों लड़की के पैरों के तले धरती खिसक गई, फटी फटी आंखों से अपने बाबुल को देखकर बोली, बाबुल तुम्हें अपनी बेटी पर संदेह है? हां संदेह भला क्यों नहीं होगा, मेरा दामाद अंधा और बूढ़ा था, ये नौजवान कौन है? और तब तक चमर ऋषि आ गए, मुस्कुराते हुए कहने लगे, ससुर साहब अपनी बेटी पर दोषारोपण न करो, मैं वही चमर ऋषि हूं जिसकी आंखें तुम्हारी लड़की ने फोड़ी थी, लेकिन तुम जवान कैसे हुए? जवाब दिया, सुनी कुमार जो देवताओं का वैद्य है उसने मेरा इलाज किया है। तब तक अश्विनी कुमार आ गए और कहने लगे, खूब ससुर और दामाद की बातें हो रही हैं, लेकिन राजा साहब तुम्हारा दामाद बहुत बड़ा बेईमान है। क्या मतलब? अश्विनी कहने लगा, तुम्हारा दामाद बेईमान है, हमने इसका इलाज किया लेकिन जाने डॉक्टर की फीस नहीं दी। चमर ऋषि बोले, अश्विनी तेरी क्या फीस है? अश्विनी कहने लगा, देवता लोग हमें यज्ञ में भाग नहीं देते, हमें यज्ञ में भाग दिलवा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आदर के साथ राजा शरियात को आंगन में ले गए महाराज चमर ऋषि। उसी समय बहुत बड़ा अनुष्ठान रचा, सारे देवताओं को निमंत्रण दिया। जब सब देवता यज्ञ में आ गए और जब यज्ञ का समय हुआ, उसी समय चमर ऋषि ने अश्विनी को यज्ञ पर बिठा दिया और जो अश्विनी यज्ञ पर बैठा, देवराज इंद्र हाथ में गदा लेकर खड़ा हो गया, ए चमन, हां इस कमीन को क्यों बिठा ला यज्ञ पर? चमर ऋषि कहने लगे, देवराज आप कैसी बातें कर रहे हैं? जवाब दिया, हां अश्विनी को यज्ञ पर क्यों बैठा ला है? सदा रोगियों से मिलता है, जातिहीन है, कमीन है, अछूत है, इसे यज्ञ पर क्यों बैठा ला? चमर ऋषि कहने लगे, देवराज इंद्र जिससे तुम लाभ उठाते हो, जो तुम्हें स्वस्थ बनाता है, रात के 12 बजे तुम्हारे सर में दर्द सुन ले तो नंगे पैरों भाग दे, रोटी छोड़ दे, और तुम उसे अछूत तो कमीन बता रहे हो। अगर जात बिरादरियों को थू थू करके अलग हटाओगे तो देवराजेंद्र तुम कौड़ी के 3 बिक जाओगे। देवराजेंद्र कहने लगा, ए चमर ऋषि, मेरे समोए महात्मा तेरी ये चाले फल नहीं पी, यज्ञ पर बैठेगा तो तलवारे चलो सुनी यज्ञ पर बैठेगा, खून की नदियां बह जाएंगी। चमर ऋषि ये अछूत और कमीन है, जातहीन है, ये रोगियों से मिलता है,
इसी यज्ञ में भाग नहीं दिया जाएगा। चमर ऋषि कहने लगे, देवराज इंद्र, मैं तुम्हारी मेहमानी का लिहाज कर रहा हूँ, तुम्हारी निगाह में जय छूत होगा, लेकिन मेरी निगाह में सारे देवता समान है। और सुनो, बक बक करके ओ इंद्र तेरी, अरे ज्यादा पानी चढ़ा नहीं, तुम खेले हो सदा लड़कियों में, तुम्हें काम मरद से पड़ा नहीं, खेले हो और कहने लगे, चमन ऋषि, देवराज इंद्र, तुम लड़कियों में खेले हो, तुम अश्विनी को अछूत बता रहे हो, कमीन बता रहे हो, लेकिन तुमसे बड़ा कमीन तो कोई पैदा नहीं हुआ। तुम अपनी औरत से संतुष्ट न हो सके, भोले भाले गौतम के घर में घुस गए, चंद्रमा को मुर्गा बना दिया, रात के 12 बजे में भोले भाले महात्मा को तुमने गंगा पर भेज दिया, और तुमने उसकी पत्नी अहिल्या के साथ में जिना किया। तुम्हारे समान कमीन और कौन होगा? और क्या बोले हैं चमन, इसलिए आप अश्विनी को यज्ञ में भाग दीजिए। दोस्तों, बड़ा गुस्सा आ गया, हाथ में तलवार उठा ली और कहा, हम अश्विनी और चमन दोनों का नाम मिटा दूंगा। दोस्तों, जो महाराज देवराज इंद्र ने तलवार मारने को हाथ उठाया, लेकिन भारी महात्मा, ऊपर तो भैया रह गई बाकी उठी है अरे कलाई, आको पत्थर हुई आओ हाथ रे नानी के तेज जब आई। महाराज होश इंद्र को बिगड़ गो है, मुझ क्षमा करो महाराज, भूप पायन पे पड़ गो है मेरे। दोस्तों, उसी समय देवताओं का राजा इंद्र झुक गया, हाथ उसका पत्थर का हो गया, अश्विनी कुमार से क्षमा मांगी, इस तरह से अश्विनी को यज्ञ में भाग दिया गया। तो दोस्तों, एक बात और बता दूं, अछूत बताया है उसने अश्विनी को, लेकिन दल असरा छूत शूद्र वो है जो कुल को दाग लगाता है, देश का धर्म का घातक है, जाति पे कुठार चलाता है। एक बात और बता दूं दोस्तों, राजपूत कैसेट के माध्यम से अंधे की दीवानी, इस लड़की, इस महान पतिव्रता का ख्यान आप लोगों ने सुना, और इस कैसेट के निर्माता कौन है जरा ये भी तुम्हें बता दूं, हरनाथ सिंह अबुर